अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको ज़र्दे की रेसिपी बताऊंगी कि हम लोग ज़र्दा किस तरह बना सकते हैं अगर हम घर में बनाना चाहें तो। उसके लिए मुझे चाहिए, ये मैंने 250 ग्राम सेला चावल लिए हैं। इसे एक घंटा लाजमी भिगोना है, उसके बाद हमें इसको बॉईल करना है कलर डाल के। अच्छा, चीनी जितना हम चावल लेंगे उतनी ही हमें शुगर चाहिए। ये 250 ग्राम मैंने शुगर ली है। घी हमने लिया है 100 ग्राम, इसमें से हमें जितना हमें चाहिए होगा हम उतना लेंगे। दो चार इलायचियाँ हैं और ये जर्दे का रंग है। सबसे पहले हमें चावल बॉयल करने हैं, क्या रंग डालेंगे क्योंकि ये जर्दा है तो एक इसका कलर बिल्कुल ऑरेंज होता है, राइट। देखें तो हम इसमें चावल डाल देंगे, राइट, एहतियात से डालिएगा। ये जब हमारा 80% हमारा चावल बॉईल हो जाएगा तो हम इसको स्पिनर से छान लेंगे, राइट, और फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। चावल जो हैं ये मैंने 80% बॉईल कर लिए हैं कलर डालकर, और अब उसके लिए हमें चाहिए जनाब ये जितने मैंने चावल लिए थे 250 ग्राम उतनी हमें शुगर लेनी है, राइट, और तीन चार छोटी इलायची और थोड़ा सा हमें घी चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए और ड्राई फ्रूट चाहिए, किशमिश, बादाम, काजू और ये पिस्ता है, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें करना ये है कि हम भगोने में घी डालेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, आपको ज़्यादा लग रहा है आप कम कर लीजिएगा। ये डालने के बाद हम इसमें इलायची कड़कड़ाएंगे। जैसे ये होगी, बहुत इजी है ये ज़र्दा। अमूमा ख़वातीन शिकायत करती है कि उनका ज़र्दा सख्त हो जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ज़र्दा सॉफ्ट कैसे बनाया जा सकता है, राइट। अब जैसे हमारी इलायची कड़कड़ाएंगे हम इसमें जनाब दो तीन घूंट हम इसमें पानी डाल देंगे और हम इसमें जो है 250 ग्राम हम शुगर ऐड कर देंगे। इसमें ये शुगर जैसे ही हमारे, हमें शुगर का शीरा नहीं बनाना है, इसको हमने सिर्फ सिरप रखना है। जैसे ही हमारी शुगर डिसॉल्व होगी पानी में हम जनाब इसके अंदर ये चावल ऐड कर देंगे और इसी में हम इसको दम पे रख देंगे और लास्ट में हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, राइट। शुगर अब डिसॉल्व हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ये जो मैंने उबाल के राइस रखे थे ये मैं इसमें डाल दूँगी, राइट। एहतियात से डालिएगा, गर्म है, असल में चावल अभी गर्म है, मैंने अभी उबाले हैं तो अभी देख के एहतियात से कीजिएगा। मैं इसमें राइस डाल दूंगी और फिर मैं इसको स्लो हीट पे, अगर आपको चावल आपका सख्त रहता है तो इसका मतलब ये कि तो आप चीनी को ज़्यादा पका देती हैं, उसका हमें सिर्फ शुगर को डिसॉल्व करना है, राइट, और हमें इसको मिक्स नहीं करना है। लेकिन शुगर सिरप को हमने चावलों में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब आपने इसके अंदर जनाब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, सारे जो मैंने लिए थे आपके पास हों, ऑप्शनल हैं तो डालिएगा, नहीं हो तो इसकी ज़बरदस्ती नहीं है। और दूसरे ये अशरफियाँ भी डलती हैं इसके अंदर ना, रंग बिरंगी जो ग्रीन और रेड कलर की आती हैं वो भी डलती हैं। तो अब आप इसको खोलेंगे नहीं, बिल्कुल स्लो हीट पर आप इसको छोड़ देंगी और इसको चम्मच ढकने को आपने खोल देनी है, तो इस तरह हमारा चावल जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, राइट। हमारा ज़र्दा रेडी है, देखें कितना ये सॉफ्ट भी है, दाना दाना अलग भी है और देखें सख्त भी नहीं हुआ। ये देखें कितना सॉफ्ट है हमारा ज़र्दा, यूँ हाथ से टूट रहा है ये। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगी आपका सॉफ्ट रहेगा ज़र्दा, वरना अमूमन ख़वातीन कहती हैं कि हमारा ज़र्दा सख्त हो जाता है चावल, क्योंकि वो फिर चाशनी ज़्यादा पका लेती हैं और प्लस वो बीच में खोल खोल के देखती हैं। जब आपने पुलाव, आपने ये ज़र्दे को चीनी डिज़ोल्व होने के बाद आपने चावल डाल के आपने इसको रख देना है चला के, और फिर बिल्कुल भी आपने इसको नहीं खोलना है। आप स्लो हीट पे आप बिल्कुल दम वाले जो हम जिस पे दम रखते हैं उसे, अगर आप उस फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगी दम पर तो ये बिल्कुल भी आपका सख्त नहीं होगा, राइट। आप देखें मेरा ज़र्दा कितना खूबसूरत लग रहा है, और आप इस तरह मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।